नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और वर्तमान समय में पहुंचा हूं कोयले की कृत्रिम खदान में। कृत्रिम खदान का मतलब है कि बनाया हुआ कोयला। वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लकड़ी का कोयला बनाया हुआ है जिसकी मार्केट में साधारण कोयले से कीमत बहुत ज़्यादा है। वर्तमान समय में पंजाब के मलोट शहर में हूँ मैं और यहाँ ऐसी खूब फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। फैक्ट्रियाँ का मतलब ये है कि जो इस तरह से छोटी छोटी चिमनी या ईंट भट्टी हैं वो लगी हुई है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि अपने साथ कारीगर महोदय है। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना मेरे दर्शकों को परिचय दीजिएगा, बताइएगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो। डाबावाली से हैं। आप सनी हैं। आप डाबावाली के रहने वाले हो और आपका नाम सनी है। कितने सालों से आप ये कोयले का काम कर रहे हो? बचपन से कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार फिर तो यही काम करता होगा। अच्छा, ये जो आपने बनाई है चिमनी, आप ही नहीं बनाई है? जी नहीं, मिस्त्री अलग से आता है। इसका मिस्त्री अलग से आता है। इस पे लगभग क्या कुछ खर्चा आ जाता है? इस पे देखो, मिस्त्री बुलाएंगे, ठीक है, पहले तो 2 रुपए ईंट लेता था मिस्त्री लगाने का, एक ईंट का 2 रुपए लेता था। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसका रेट पता नहीं कितना है कितना नहीं, कोई बनवाई नहीं फिलहाल में हमने। ठीक है जी। तो ये जो अभी आपने बताया, इस चिमनी का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है? जी हाँ, जैसे वो 2 भट्टी बड़ी है, ठीक है, ठीक है, अरे जी 11 भट्टी जी मीडियम साइज है। मीडियम साइज जी। इस मीडियम साइज में अपने लकड़ी कितनी लकड़ी आ जाती है अंदाजा? देखिए, सूखी मत लकड़ी तो आ जाएगी कम से कम 35 क्विंटल। ठीक है, ठीक है, उसमें 10 क्विंटल 11 क्विंटल पूरा निकल जाएगा। और गीली? गीली तुम मान लो यकीनन 50 से 55 क्विंटल। मतलब अपने गीली सूखी कोई सी भी डालो उसका फिर कम निकलेगा कोला। तो सूखी लकड़ी हो तो उसमें ज्यादा निकलता है, ठीक है, गीली डालेंगे वो सूखे के अंदर पतली हो जाती है, इतनी मोटी डालेंगे ना गीली तो इतनी सी रह जाती है वो, ठीक है, जो पानी होता सब नुचड़ के नीचे आ जाता उसका। ठीक है जी। तो मतलब सूखी लकड़ी ही डालनी चाहिए? हाँ, सूखी लकड़ी में फायदा है, लेबर को भी फायदा है, बाबू को भी फायदा है, ठीक है, मालिक को मतलब। हाँ, अब अपनी कितने दिन में ये कोयला पक के तैयार हो जाता है? जी 1 हफ्ता लग जाता है, गीली हो या सूखी हो। जी, सूखी में कम लगता है वैसे, ठीक है, वैसे गीली में 1 हफ्ता लग जाता है और सूखी में 5 दिन। हाँ, 5 से 6 दिन लग जाता है। 6 दिन लग जाते हैं। तीन, देखो सूखी हो तो 3 दिन चलती जाती है भट्टी, ठीक है, 4 दिन में भट्टी आ जाती है, 3 दिन ठंडी हो जाती है, 1 हफ्ता मान लो लगता ही लगता है, लगता ही लगता है, आराम से काम करे। अभी अभी आप ये कोयला बाहर निकाल रहे हो, इसमें कुछ आपने पानी जैसे डाल के भी इसको ठंडा किया है? जैसे बाई चांस लकड़ी मोटी होती है, ठीक है, उसमें आग वगैरह आ जाती है बाई चांस, नहीं बुझने में आती है तो खोलते तब उसमें आग रह जाती, तो पानी डाल के बुझा सकते। हाँ, हल्की फुल्की आग होती है। और वैसे तो इसको जब आप खोलते उस समय लगभग आग इसमें चारों तरफ से मिट्टी मुट्टी लगा के बंद कर दे तो आग ऑटोमेटिक बंद हो जाती, बुझ जाती। हाँ जी। ये कोयला सबसे ज्यादा किस काम में आता है? ये तंदूरों में चलता, होटलों पे चलता है, बड़ी सिटियों में। हाँ, बड़ी, क्यों अपने जैसे गरीब तो ले नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते, क्यों आटे से महंगा है। ठीक है, आटे से भी कोयला महंगा है। मतलब ये हुआ कि आटा आज की तारीख में 30-32 रुपए किलो है और ये उससे भी महंगा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना महंगा है और इस लाइन में कितनी कमाई है, कितनी इनकम है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या अपन इसको साल के 365 दिन भट्टी को चला सकते हैं? 365 दिन देखो, चलाने वाले चलाते हैं, ठीक है, जैसे कोई बाहर का इंसान बंद आते हैं चलाते हैं, वो तो फिर नहीं चला पाते, क्यों 5 लगाए 6 महीने लगाए वो घर पर जाना पड़ता उनको, ठीक है, जो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, करते हैं, खाते पीते रहते हैं, जैसे जिसका परिवार है वो चला सकते हैं। मतलब लेबर हो तो भट्टी साल के 365 दिन चल सकती, चलती है। तो इसका अनुभवी व्यक्ति ही चला सकता है या अनजान व्यक्ति भी एक दो मतलब जला के सूखी निकाल के गीली निकाल के सीख सकता है? अनजान व्यक्ति तो नहीं, वैसे जैसे जानकार एक आदमी है, दूसरा अनजान बंदा है, तो उसको धीरे धीरे सिखाते रहते। हाँ, ऐसे क्या करना कैसे नहीं, उसमें उसका नुकसान भी नहीं होता किसी चीज का। एक उसको बोल देंगे हम लोग, चाह भाई तू अकेले काम कर ले, उस चीज का डर होता है, ठीक है, कैसे क्या करे कैसे नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आप यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो कोयले के काम में, सर्दियों के शाम टाइम में तो चलो ठीक है, अभी गर्माइश रहती है, ठंड नहीं लगती, ठीक बात है, लेकिन गर्मी के टाइम में तो यहाँ नजदीक नहीं आ सकते, पूरी आग रहती है, तो आपको मजदूरी क्या मिल जाती है? तो सनी भाई, आप मेरे को ये बताओ कि आप इस कोयले का काम करके एक महीने की एवरेज कितने रुपए कमा लेते हो? कम से कम 30 से 35 हजार। 30 से 35 हजार रुपए कमा लेते हो? तो ये कोयले का काम मतलब आगजनी का है, पूरे दिन कपड़े काले, हाथ काले, चेहरा काला, सब इतना काला काम कर रहे हो,
तो मुझे नहीं लगता ये 30-35 हज़ार कम नहीं है इतने। तो कहीं भी जाएंगे तो ठीक है 10 से 12 हज़ार तनख्वाह देते हैं, ठीक है ये तो अपना खुद का काम है, खुद का मतलब आपका ठेके पे हुआ। हाँ जी भाई, इतना क्विंटल हम लकड़ी इसमें डालेंगे या कोयले का ठेका रहता है? कोयले का होता है भाई, इतना क्विंटल कोयला है, सूखी लकड़ी रहेगी तो ये रेट रहेगा या गीली रहेगा तो कुछ अलग रहता है। जी हाँ, तो क्या सिस्टम क्या रहता है इसका? जैसे कोयला 220 रुपए चल रहा है, ठीक है, ठेके पे, ठेके पे हम लोगों ने लिया, बाबू देता 220 रुपए, इसमें 10 क्विंटल निकल आता कोयला, ठीक है, ठीक है, इसमें 2 बंदे रख लिए हमने, ठीक है, ठीक है, महीने का कम से कम बन जाता 65 हज़ार रुपया, ठीक है, ठीक है, तनख्वाह उनके निकाल के 35-30 हज़ार बच जाता है, बच जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका मन नहीं करा आज काम करने को तो आप दोपहर तक रेस्ट भी करोगे तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जी ठीक है साथियों, मेन बात ये है कि भैया कोयले के काम में इनकम अच्छी खासी है, कि भाई ने बताया कि आटे से कोयला महंगा है, तो जिस आटे को पकाने के लिए कोयला चाहिए वो आटे से भी महंगा है। हालांकि ये अपने छोटे शहरों की बस की बात नहीं है, बड़े महानगरों में ये कोयला लगाया जाता है ताकि वहाँ प्रदूषण ना फैले, धुआं ना हो, डायरेक्ट लकड़ी काम में आ सके। होटलों में तंदूरों में इस कोयले का प्रयोग होता है। हालांकि आजकल हुक्का बार भी खूब चलते हैं, हुक्का भी खूब चलते हैं, उसमें भी इसी कोयले का प्रयोग में होता है। आगे अपने आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से इसमें लकड़ियाँ डाली जाती है, किस तरह से कोयला निकाला जाता है। तो निकालने की तो भी कोयला भाई निकाल ही रहा है, इसी वीडियो में यही देख ले और फिर आगे दिखाएंगे लकड़ियां कैसे लगाई जाती है। भाई आके दिखा दो कोयला कैसे निकालते। भाई आप निकालो भाई, ये